नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि किस तरह से आप सहयोगी एंटरप्राइजेस में अपनी आईडी को रजिस्टर कर सकते हैं और किस तरह से किसी भी पैकेज को सेलेक्ट करके आप अपनी आईडी को टॉप अप कर सकते हैं। तो दोस्तों, और भी बहुत सारे जो डाउट्स हैं मैं जहाँ पे क्लियर करूंगा, तो वीडियो के साथ बने रहें, आपके सारे डाउट जहाँ पे क्लियर होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक रजिस्टर लिंक आया होगा जो कि आपके किसी फ्रेंड ने व्हाट्सएप या फिर अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपको रिकमेंड करा होगा। दोस्तों, मैं आपको यही कहूंगा कि आपको जिस भी मेंबर ने सहयोगी एंटरप्राइजेस के बारे में आपको बताया है, आप उसी के लिंक से ज्वाइन करें। और अगर आप इस वीडियो को जो है YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करें। दोस्तों, सबसे पहले आपके पास इस तरह का लिंक आया होगा। दोस्तों, आप जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करते हैं आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप जहाँ पे क्रोम ब्राउजर पे क्लिक करें, दोस्तों क्लिक करते ही आपको इस तरह का जो है सर्च होगा और आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों, आप जहाँ पे देख सकते हैं आपको जिस भी मेंबर ने जो लिंक सेंड करा था उसका नाम जहाँ पे शो होगा। दोस्तों, आप जहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट आईडी जो है वो सहयोगी ट्रस्ट इंडिया की लगी थी, तो जहाँ पे आपको उसका नेम आ जाएगा। दोस्तों, उसके बाद जहाँ पे नेम के ऑप्शन पे आप अपना नाम डालें जो कि आपका ओरिजिनल नेम है, डॉक्यूमेंटेशन नेम है जो आपका, वो आप जहाँ पे डालें। उसके बाद जहाँ पे मोबाइल नंबर डालें, दोस्तों मोबाइल नंबर डालने के बाद आप जहाँ पे सेंट ओटीपी पे क्लिक करें। दोस्तों, जैसे ही आप सेंट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपको एक ओटीपी आएगा। दोस्तों, आप जहाँ पे देख सकते हैं आपको एक ओटीपी आया है, आप इसको जो है कॉपी करें। दोस्तों, कॉपी करने के बाद आप जहाँ पे एंटर ओटीपी पे क्लिक करके इसको पेस्ट कर दें। दोस्तों, जैसे ही आप इसको पेस्ट करोगे उसके बाद आप जहाँ पे जो है रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करो। दोस्तों, क्लिक करते ही आपका जो है इस तरह का इंटरफेस आएगा और जहाँ पे आपको जो है यूजर नेम और आईडी पासवर्ड जो है आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आप सिंपली लॉगिन पे क्लिक करके दोस्तों जहाँ पे आप अपना यूजर नेम डालें और जहाँ पे आप अपना पासवर्ड डालें, दोस्तों उसके बाद जहाँ पे आप लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करें। दोस्तों, क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पे आप इसको क्लोज कर लें, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन कुछ बता रहा होगा। दोस्तों, उसके बाद जहाँ पे आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा जहाँ पे आपको इनकम वॉलेट दिखेगा, टॉप अप वॉलेट दिखेगा, यूटिलिटी वॉलेट दिखेगा, कैशबैक वॉलेट दिखेगा, उसके बाद जहाँ पे आपका टोटल विड्रॉल अमाउंट जो है आपको जहाँ पे दिखेगा। दोस्तों, उसके बाद वन बाय वन सभी डिटेल, टोटल डायरेक्ट कितने करे हैं, एक्टिव डायरेक्ट कितने हैं, इनएक्टिव डायरेक्ट कितने हैं, दोस्तों सारी चीजें आपको जहाँ पे डिटेल में दिख रही होंगी। दोस्तों, आप सारी चीजें जहां पे डिटेल में देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप जहां पे जो रेफरल लिंक है व्हाट्सएप के माध्यम से किसी को भी शेयर कर सकते हो, जहां पे आपको कॉपी का ऑप्शन मिल जाता है, जहां पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से जो है किसी को भी शेयर कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं जहां पे आप थ्री लाइंस पे क्लिक करोगे। दोस्तों, जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो आपके पास पूरी डिटेल जहां पे शो होती है। दोस्तों, जहां पे डैशबोर्ड, माई अकाउंट, फंड ट्रांसफर, टीम, केवाईसी, टॉप अप, इस तरह से रिचार्ज, सभी तरह की फैसिलिटी आपको जहां पे दिखेगी। दोस्तों, सबसे पहले आप जहां पे टॉप अप पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद जहां पे टॉप अप और रीपर्चेज का ऑप्शन आता है। दोस्तों, आप फर्स्ट टाइम टॉप अप कर रहे हो तो आप टॉप अप पे क्लिक करते हो। दोस्तों, जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो तो आपके पास तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। दोस्तों, सबसे पहले जहां पे सेलेक्ट ज्वाइनिंग पैकेज आएगा, आप किसी भी पैकेज को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने सेलेक्ट जो करा है ज्वाइनिंग पैकेज एक को सेलेक्ट करा। दोस्तों, उसके बाद जहां पे सेलेक्ट प्रोडक्ट करा, दोस्तों आप किसी भी प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने फर्स्ट वाले एंटी रेडिएशन को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जहां पे मैं यूजर नेम जो है, मेरा यूजर नेम मैं उसको जहां पे जो है डालूंगा। दोस्तों, मैंने अपना जो यूजर नेम है जहां पे डाल लिया है। दोस्तों, आपका जहां पे इनवैलिड यूजर नेम आएगा, अगर आपका कुछ भी गलत होगा तो इनवैलिड यूजर नेम आएगा। दोस्तों, अदरवाइज जहां पे आपका जो है यूजर नेम आ जाएगा। दोस्तों, जहां पे सेलेक्ट पैकेज जो है मैं वेलकम पैकेज करूंगा और जहां पे आप देख सकते हैं मेरा यूजर नेम जो है वो प्रवीण कुमार आ चुका है। दोस्तों, आप किसी भी पैकेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पैकेज 1 को सिलेक्ट करा था, अभी मैं पैकेज 2 को सिलेक्ट करता हूं, तो उसके हिसाब से जो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा और जहां पे डिजिटल स्क्रैच कूपन मिल जाता है। अगर मैं पैकेज 3 को सिलेक्ट करता हूं तो जहां पे जो है डेली ROI क्रेडिट मिल जाता है। तो दोस्तों, मैं जहां पे 2 नंबर पैकेज को सिलेक्ट करता हूं और जहां पे आप डिजिटल स्क्रैच कूपन को सिलेक्ट कर लेता हूं और उसके बाद यूजर नेम डाल के जहां पे वेलकम किट जो ऑप्शन है, जहां पे वेलकम पैकेज डाल के उसके बाद टॉप अप पे क्लिक कर लूंगा। दोस्तों, जैसे ही मैं टॉप अप पे क्लिक करता हूं तो जहां पे आता है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, तो मैं जहां पे ओके करूंगा। दोस्तों, ओके करते ही थोड़ा सा ब्राउज होगा और जहां पे आएगा सक्सेस
पैकेज वेलकम पैकेज एक्टिवेट सक्सेसफुली। दोस्तों मेरी जो आईडी है वो एक्टिवेट हो चुकी है। टॉप अप वॉलेट में 236 रुपीज़ थे, अभी जहाँ पे अमाउंट जो है वो जीरो हो चुका है। दोस्तों उसके बाद मैं फिर से थ्री डॉट्स पे क्लिक करके जहाँ पे देखूंगा डैशबोर्ड में जाऊँगा। दोस्तों डैशबोर्ड में जाने के बाद आप जहाँ पे देख सकते हैं जो कि मेरी जो आईडी है वो ग्रीन हो चुकी है, जहाँ पे पूरी डिटेल आप जहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों उसके बाद मैं फिर से थ्री जो लाइन्स पे क्लिक करके नीचे जाऊँगा जहाँ पे स्क्रैच कूपन पे। दोस्तों जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो जहाँ पे मुझे स्क्रैच कूपन मिल जाता है, दोस्तों जहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैं इसको स्क्रैच करता हूँ तो मुझे 200 RS जो है मिल चुका है। मैं फिर से जहाँ पे थ्री लाइन पे क्लिक करके डैशबोर्ड पे जाऊँगा तो जहाँ पे आप देख सकते हैं कैशबैक वैलेट में मेरा 0 रुपीज़ था, अभी मेरा कैशबैक वैलेट में 200 रुपीज़ आ चुका है। दोस्तों जो कि मैं किसी भी मेंबर की आईडी को एक्टिवेट करके पर आईडी से जहां से कैशबैक वैलेट से 20 रुपीज़ जूस कर सकता हूं। तो दोस्तों ये बहुत ही शानदार मौका है, अगर आप इसके साथ ज्वाइन करते हो तो 200 से आप ज्वाइन करते हो तो उसी टाइम तुरंत आपको जो है कैशबैक वैलेट में 200 रुपीज़ आपको रिटर्न मिलते हैं। दोस्तों बहुत ही शानदार प्लान है, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी कि किस तरह से रजिस्टर करना है, किस तरह से आईडी को एक्टिवेट करना है और किस तरह से स्क्रैच कूपन को स्क्रैच करके जहां पे अमाउंट को रिसीव करना है। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे और आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से आईडी को एक्टिवेट करना है। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो अपने कमेंट डाल सकते हो और या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे डाउट को क्लियर करूंगा। सो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।